bell to get the nimble updates for latest videos. Hello everyone, as the FCI exam has been conducted, let's have a review what may be the expected cutoff for FCI exam 2019. Let me proceed. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड लुक व्हाट वाज़ दी पैटर्न. तो पैटर्न अगर आप यहाँ देखोगे तो टोटली हमारा, जैसे हमारा एग्ज़ाम भी आईबीपीएस ने ही कंडक्ट कराया था, तो हमारा पैटर्न भी आईबीपी बैंकिंग एग्ज़ाम जैसा ही है, बैंकिंग के प्री एग्ज़ाम जैसा. इंग्लिश 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, टाइम वॉज 20 मिनट्स, रीजनिंग एबिलिटी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स एंड ड्यूरेशन वॉज 20 मिनट्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स एंड ड्यूरेशन वॉज 20 मिनट्स, ओवरऑल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स एंड टोटल टाइम वॉज 60 एंड 20-20 डिवाइड हुआ था तीनों सेक्शंस के बीच में. चलिए आगे देखते हैं. ये हमारी जोन्स थी, जो हमारी हमारी वैकेंसीज आई थी वो जोन बेस्ड आई थी. मतलब आप जिस जोन में हो आप एक ही जोन से अप्लाई कर सकते हो. तो ये आप देखोगे कि हमारी 5 जोन है, पर नॉर्थ जोन और हमारे वेस्ट जोन की कट ऑफ कंपैरेटिवली हायर जाती है कंपेयर टू साउथ जोन, ईस्ट जोन और नॉर्थ ईस्ट जोन. तो अगर आपने अप्लाई किया है नॉर्थ जोन या वेस्ट जोन में तो आपकी कट ऑफ एक्सपेक्टेड है कि ज़्यादा जाएगी कंपैरेटिवली टू दी 3 अदर्स. अब चलिए देखते हैं हमारी ओवरऑल कट ऑफ कितनी हो सकती है. जनरल के लिए 69 to 75, ओबीसी 64 to 70, एससी 62 to 69, एसटी 61 to 67. तो आप देखोगे कि हमारी कट ऑफ बहुत लो नहीं है. हमारी कट ऑफ हमारे क्लर्क के एग्ज़ाम जितनी कट ऑफ जाती है उतनी हम कट ऑफ कहेंगे, क्योंकि हमारा पेपर भी था मॉडरेट टू ईजी लेवल. हार्ड लेवल नहीं था, पेपर इजी था. जैसे इंग्लिश सेक्शन आप देखते हो जनरली जिससे बच्चे डरते हैं, इंग्लिश सेक्शन भी हमारा इजी आया था. जो हमारी आरसी थी वो बेस्ड ऑन थी, हमारी स्टोरी बेस्ड आरसी थी, स्टोरी बेस्ड थी. जो हमारी सेंटेंस अरेंजमेंट था वो भी हमारा स्टोरी बेस्ड था. तो अगर आप एक बार पढ़ लोगे आरसी को, उसके बाद आप उससे जितने 5 क्वेश्चंस दिए थे आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो बिना बार बार आरसी में जाए हुए, जैसा कि हमें जनरली करना पड़ता है पीओ एग्ज़ाम में, क्योंकि वो इकोनॉमी बेस्ड या बैंकिंग बेस्ड होती है. ऑल दो एग्ज़ाम आईबीपीएस ने कंडक्ट कराया था बट पेपर वॉज ऑफ ईजी लेवल, हमारी आरसी भी ईजी थी. अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में भी अगर हमारी कोई पजल है उसमें 2 पॉसिबिलिटीज़ बन रही है, तो थोड़े टाइम बाद 1-2 अरेंजमेंट करने के बाद ही हमारी पॉसिबिलिटी सेकेंड वाली एलिमिनेट हो जाती है और हम वी कैन गो विद दी फर्स्ट पॉसिबिलिटी. सिमिलरली मैथ्स वॉज ऑफ ईजी लेवल, इट वॉज नॉट एट ऑल कैलकुलेटिव. यू तो बच्चों ने बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया है तीनों सेक्शंस में. ये तो हमारी हो गई ओवरऑल कट ऑफ. अब देखते हैं हमारी सेक्शनल कट ऑफ कितनी जा सकती है. इंग्लिश लैंग्वेज फॉर जनरल कैटेगरी 8 to 13, ओबीसी 7 to 12, एससी 6 to 10 एंड एसटी 5 to 8, फॉर रीजनिंग 18 to 25, ओबीसी 15 to 22, एससी 10 to 15, एसटी 8 to 13, मैथ्स 16 to 23, ओबीसी 14 to 20, एससी 8 to 14 एंड एसटी 7 to 12, और ओवरऑल होगी हमारी 69 to 75, ओबीसी 64 to 70, एससी 62 to 69 एंड फॉर एसटी 61 to 67. तो अगर आप श्योर हो कि आपने जितने भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आए, जनरली बच्चों ने 80 प्लस भी बच्चों ने किया है, कुछ बच्चों ने 80 के नीचे भी किया है, और अगर अपनी एक्यूरेसी से श्योर हो कि आपकी अपनी कैटेगरी के हिसाब से इतनी अगर आएगी कट ऑफ, अगर आप जनरल के हो तो आपकी इतने आ रहे हैं मार्क्स, आपकी ओबीसी है कैटेगरी तो आपके इतने आ रहे हैं, सिमिलरली फॉर एससी एंड एसटी, तो यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर फेज 2, क्योंकि अभी आपके पास बहुत टाइम बचा नहीं है. तो आप अभी से प्रिपेयर कर दो फेज 2 के लिए अपने अच्छे से. अगर आपका यहाँ पे हो गया, क्योंकि ये हमारा जो फेज 1 एग्जामिनेशन था ये क्वालिफाइंग नेचर तक था, इसके मार्क्स जुड़ेंगे नहीं हमारे. और एक बात नॉर्मलाइजेशन की, जैसे कि एग्जामिनेशन डिफरेंट शिफ्ट्स में हुआ है तो हम देखते हैं कि जितनी शिफ्ट्स होती हैं वो वेरी करती हैं डिफ़िकल्टी लेवल में. कोई होता है बहुत इजी आ जाता है किसी में पेपर, किसी में थोड़ा मॉडरेट लेवल होता है. तो इसमें हार्ड लेवल तो कुछ नहीं था, बट कुछ शिफ्ट्स ऐसी थी जिसमें पेपर हमारा मॉडरेट लेवल था कंपैरेटिवली टू अदर शिफ्ट.
तो उन शिफ्ट के बच्चों को घबराना नहीं है, आपको मिलेंगे आपके नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स। बट अगर आपको नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट चाहिए तो यू शुड हैव एक्यूरेसी। मतलब ये नहीं है कि आपके क्वेश्चंस बहुत सारे गलत होने चाहिए, अगर बहुत सारे क्वेश्चन गलत होंगे तब आप पे नॉर्मलाइजेशन के चांसेस आपके में कम रहेंगे। नॉर्मलाइजेशन उसी बच्चे को मिलता है जिसकी एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी होती है। तो अगर आपका मार्क्स वेरी कर रहे हैं इसके इन सब के बीच में, तो यू शुड स्टार्ट फॉर फेज 2, अभी से स्टार्ट कर दो। थैंक यू एवरीवन।